नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में ये लाइन वैक्सीनेशन के लिए लगी है। शुरुआत में हमने देखा कि अलग अलग इलाकों में थोड़ी झिझक जरूर लोगों में नजर आती थी, लेकिन अब लोग बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि अगर कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ना है तो वैक्सीन जरूरी है। हाँ, कुछ अपवाद जरूर हैं, जहां पर हमें ये देखने के लिए मिला कि वैक्सीन के डोज के बावजूद संक्रमण के कुछ केसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर वैसे में संक्रमण होता है तो उसका जो असर होता है वो कम होता है, इसीलिए वैक्सीन बेहद जरूरी है। आज हिंदुस्तान में दो वैक्सीन चल रही है, लेकिन और को भी अब इजाजत मिल गई है। परिस्थितियां क्या है उस पर आज ये विशेष। कोविशील्ड का कवच है, कोवैक्सीन का किल शॉट है, अब स्पुतनिक का साथ है। इसके बाद फाइजर आएगी, मॉडर्ना भी आएगी, जॉनसन एंड जॉनसन पूरी ताकत लगाएगी। कोरोना के खिलाफ होगा सबसे बड़ा पलटवार, आधा दर्जन वैक्सीन बनेंगी सबसे बड़ा हथियार। वैक्सीन एक भरोसा है, वैक्सीन एक विश्वास है, अनजान दुश्मन के सामने वैक्सीन ही जीने की आस है। वैक्सीन आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच भी है, इसलिए कोरोना से इस युद्ध में आपको और हमको वैक्सीन को हथियार बनाकर पूरी ताकत से इसके खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव में सब कुछ ट्रैक पर है? दूसरे देशों से तुलना की जाए तो ये तस्वीर खुद ब खुद साफ होती है। अमेरिका ने अपनी 189 मिलियन आबादी को वैक्सीनेट कर दिया है। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के 120 दिनों के अंदर अमेरिका ने अपने देश की 57% आबादी का टीकाकरण कर दिया है। यूके ने 39 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, जो उसकी आबादी की 60% है। यूके ने टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने के 126 दिनों में अपने देश के 60% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। भारत के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो भारत ने अब तक 108 मिलियन लोगों का टीकाकरण कर दिया है, जो हमारी आबादी का 7.6% है। भारत ने वैक्सीनेशन ड्राइव के शुरू होने के 87 दिनों में यह हासिल किया। चीन ने 99 दिनों में 171 मिलियन लोगों का टीकाकरण कर दिया है, जो उनकी आबादी का 12% है। लेकिन यहाँ पर यह देखना भी जरूरी हो जाता है कि जिन देशों ने 50% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, वहां की आबादी भारत के मुकाबले क्या है। अमेरिका की कुल आबादी करीब 33 करोड़ है, यूके की कुल आबादी 6.7 करोड़ है, भारत की 136 करोड़, जबकि चीन की कुल आबादी करीब 140 करोड़ है। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में चल रहे भारत के अलग अलग आयु वर्ग के वैक्सीनेशन को देखा जाए तो भारत में 90,33,621 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज दे दी है, जबकि 55,58,103 हेल्थ केयर वर्कर्स को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। 1,78,589 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 49,19,212 फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी डोज भी लग चुकी है। 45 से 60 साल के बीच वालों में 3,42,18,175 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 7,59,654 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। वहीं 60 साल से ऊपर लोगों में 4,17,12,654 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 22,53,077 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बिल्कुल ठीक चल रही है, सबको टाइम पर वैक्सीन लग रही है? और उससे भी बड़ा और जरूरी सवाल ये कि क्या देश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मौजूद है? सेंटर पर कोई एक खास वैक्सीन होती है, यहाँ पर कोविशील्ड दी जा रही है, कई सेंटर्स में भारत बायोटेक की वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन भारत जैसी बड़ी आबादी और अलग अलग राज्यों से जो शिकायतें आ रही थी कि वैक्सीन की कमी हो रही है, उसको देखते हुए सरकार ने भी आपात इस्तेमाल के लिए बाकी वैक्सीन को भी अनुमति दी है। इसकी भी एक प्रक्रिया है, लेकिन सबसे पहले स्पुतनिक वी हिंदुस्तान आने वाली है। कोविशील्ड
कोरोना के लगातार बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। अभी तक भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ही टीकाकरण में इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल रूस की स्पुतनिक ने भारत में आपात इस्तेमाल के लिए अर्जी दी थी, जिसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से मंजूरी मिल गई। रूस के गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्पुतनिक टीके के 91.6% असरदार होने का दावा किया है। देश में इस्तेमाल हो रही कोविशील्ड सिर्फ 80% और कोवैक्सिन 81% असरदार है। स्पुतनिक टीके की दो डोज 21 दिन के अंतराल पर लगेंगी। इस वैक्सीन की खास बात यह है कि इसकी दोनों डोज अलग अलग तरह की है, यानी दोनों डोज कोरोना वायरस के डीएनए पर अलग अलग तरह से असर करेंगी, जिससे इसके प्रभावशाली होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आमतौर पर सभी कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक में एक ही दवा दी जाती है, लेकिन स्पुतनिक की दोनों खुराक में अलग अलग दवा दी जाएगी। एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि एक तीसरा वैक्सीन हमारे देश में अब इमरजेंसी यूज के लिए आगे आ गया है। यह स्पुतनिक वैक्सीन है, भारत और रशिया की रूस की मिलीजुली कोलैबोरेशन है। ये बहुत मेहनत के साथ इस वैक्सीन के सिस्टमैटिक स्टडी करते करते अच्छे तरीके से इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ, पूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया। स्पुतनिक को 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2 महीने तक रखा जा सकता है, यानी फ्रिज के तापमान पर इस वैक्सीन को रखा जा सकता है। 60 से अधिक देशों में मंजूरी वाला ये दुनिया का पहला कोरोना टीका है। रूस ने पिछले साल अगस्त में इसके इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी। भारत में स्पुतनिक की मार्केटिंग रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड कर रहा है। उसने भारत के साथ 75 करोड़ डोज बनाने का करार किया है। शुरुआत में स्पुतनिक को रूस से ही आयात किया जाएगा। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब स्पुतनिक की पहली 125 मिलियन डोज मई से अगस्त वाले क्वार्टर में आयात करेगी। अगले क्वार्टर में 6 भारतीय कंपनियां ये वैक्सीन बनाना शुरू कर देंगी, तब इसकी सप्लाई और बढ़ जाएगी। तब तक भारत को कोविशील्ड और कोवैक्सिन पर ही निर्भर होना होगा। ट्रायल में गए, महीनों से ये मेहनत हो रही है, ट्रायल के रिजल्ट्स देखे गए और जो डेटा हमारे देश का है उसको बाहर के देशों के डेटा के साथ मिला के 28-30 हजार के करीब जो पेशेंट का डेटा है उसको लेके जो फैसला किया गया है वो आपको मालूम है, तो एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। राज्यसभा कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक कोविशील्ड की उत्पादन क्षमता 7 से 10 करोड़ डोज प्रति माह है, जबकि कोवैक्सिन की 1.25 करोड़ डोज प्रति माह। कुल मिलाकर दोनों कंपनियां हर महीने करीब 8.3 करोड़ से लेकर 11.3 करोड़ डोज प्रति माह का उत्पादन कर रही हैं। अगस्त तक भारत का लक्ष्य 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने का है। 28 फरवरी तक भारत में 3 लाख लोगों का वैक्सीनेशन रोज हो रहा था, मार्च में बढ़कर ये आंकड़ा 16 लाख हो गया। अप्रैल में 35 लाख डोज वैक्सीन रोज दी जा रही है। अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन होता रहा तो अगस्त तक 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। दिसंबर 2021 तक 40% लोग और मई 2022 तक 60% लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। हालांकि यहां ये जानना भी दिलचस्प है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक वैक्सीन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट का गावी द वैक्सीन अलायंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ 200 मिलियन डोज एक्सपोर्ट करने का कमिटमेंट है। एस्ट्राजेनेका और सीरम के सब लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों को गरीब देशों को 1 बिलियन डोज वैक्सीन सप्लाई करनी है। इसके अलावा भारत बायोटेक भी 40 अलग अलग देशों में वैक्सीन एक्सपोर्ट करने की इजाजत मांग चुका है। तो कहीं भारत में वैक्सीन की कमी तो नहीं हो जाएगी? जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसमें क्या ये काफी होगा या फिर और विदेशी वैक्सीनों की जरूरत पड़ेगी? वैक्सीन देश ने डेवलप की है और भी वैक्सीन्स को लाने का प्रयास हो रहा है। 11-12 करोड़ के बीच में जो है हमारा नंबर वैक्सीनेशन का हो गया है, उसको भी और तरीके से स्पीड अप करने के लिए प्रयास हो रहा है और भी जो जो चीजें हैं।
पूरी प्रक्रिया के साथ वैक्सीनेशन प्रोसेस को अंजाम दिया जा रहा है, आप सब वैक्सीन लगवा चुके हैं? जी हाँ, मेरा सेकंड डोज है। अच्छा सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए? बिल्कुल लगवाना चाहिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जर्वेशन में आधे घंटे के लिए यहाँ पर बैठना है कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी लगवा चुके हैं तो 45 प्लस के ऊपर का जो एज ग्रुप है उन सबको समय निकालकर कम से कम वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। अभी तक जितने वैक्सीन यहाँ पर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो वैक्सीन हमारे सामने आने वाले हैं उनकी संख्या कितनी होगी, वो कहाँ पर और कैसे उपलब्ध होंगे, इसकी भी जानकारी समझते हैं। स्पुतनिक के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद अब दूसरी विदेशी वैक्सीन भी जल्दी ही भारत में इस्तेमाल के लिए आएंगी। इस साल की तीसरी तिमाही के अंत तक भारत को 5 और वैक्सीन मिल सकती है। रूस की स्पुतनिक को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। स्पुतनिक की एफिकेसी 91.6% है, जिसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। इसकी एक डोज की कीमत 750 रुपए से कम है। अगले 3 से 4 महीने में वैक्सीन की पहली खेप आयात की जा सकती है। फाइजर की वैक्सीन करीब 95% तक कारगर है। 21 दिनों के अंतराल पर इसके 2 डोज लगने होंगे। इसे स्टोर करने के लिए -25 से -15 डिग्री तक तापमान चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1500 रुपए है। मॉडर्ना की वैक्सीन 94.1% तक कारगर है। 28 दिनों के अंतराल पर इसके 2 डोज लगाने होंगे। इसे स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री तक तापमान चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी एक डोज की कीमत करीब 1800 रुपए है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन एक सिंगल डोज वैक्सीन है जो 66.3% कारगर है। इसे स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री तक तापमान चाहिए। इसकी एक डोज की कीमत करीब 750 रुपए है। नोवैक्स वैक्सीन एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। नोवैक्स की कुशलता दर करीब 90% है। इसे स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री तक तापमान चाहिए। अमेरिका में इसकी कीमत करीब 1200 रुपए है। एक बहुत सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी बदलाव आया है। बाहर के जो विदेश में बने हुए वैक्सीन हैं, अगर उनको यूएस के रेगुलेटर ने, यूके के रेगुलेटर ने, ईयू के रेगुलेटर ने और जापान के रेगुलेटर ने अप्रूव किया है या WHO की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लिस्ट में इंक्लूड हो गया है, then that or those vaccines are approved for use in India. A precondition of a clinical trial will not be applicable, and this is a provision for COVID-19 vaccines. In vaccine ke alawa Zydus Cadila ki Zycov D, Hyderabad ki Biological E, Pune ki Genova company ki HGCO19, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन भी जल्द ही भारत में आएगी। इनको लेकर जब भी हम चर्चा करते हैं तो एक एफिकेसी रेट की हमेशा बात आती है, क्या होता है ये? आज अगर कुछ शिकायतें भी आती हैं, अगर कुछ ऐसे मामले भी आते हैं जहां पर इसके बावजूद अगर पॉजिटिव केसेस आते हैं कोरोना के, तो उसके मायने क्या है और इसका क्या मतलब है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस समय, इस चीज को समझ कर ही वैक्सीनेशन की इस ड्राइव को और सफल बनाया जा सकता है। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बाद कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार टीकाकरण के बाद होने वाले प्रतिकूल परिणामों को लेकर भी गाइडलाइन जारी करने जा रही है। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं को लेकर जारी की जाने वाली ये गाइडलाइन डॉक्टरों और कोविड वैक्सीन लेने वाले लोगों दोनों के लिए फायदेमंद रहेगी। कुछ देशों में जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन इस्तेमाल करने के बाद लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या देखने को मिल रही है। कोविड वैक्सीन लिए जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति में असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं तो ये गाइडलाइंस उन लक्षणों को समझने में उसकी मदद करेंगे। डॉक्टर इस गाइडलाइन के साथ ये समझ सकेंगे कि मरीज में दिखाई देने वाले लक्षण कितने गंभीर या घातक हैं। जल्द ही सरकार ये गाइडलाइंस जारी करेगी। वैक्सीनेशन जरूरी है हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए, समूचे समाज के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी कड़ी है जो कोरोना के संक्रमण को तोड़ने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।